जम्मू एंड कश्मीर में सभी पार्टी बोला कि हमारा राज्य के जो अलग मर्यादा था। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम हार जाएंगे। मैंने पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बात किया, अब्दुल गनी लोन जिनको अलग पार्टी है वो भी बोला डिसअपॉइंटिंग। एंड जम्मू एंड कश्मीर में सभी पार्टी बोला कि हमारा राज्य के जो अलग मर्यादा था। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम हार जाएंगे। तो ये स्थिति है कि आप ऐसे एक तो सुप्रीम कोर्ट का राय आया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। ये गृह मंत्री जो अपने हाथ से 2019 में 370 को एब्रोगेट किया, इसके बारे में उसको चिंतन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। आप बोलता है हम कश्मीरियों को भलाई के लिए सब किया, कश्मीर में एक भी आदमी एक भी पार्टी आपको समर्थन नहीं करता है, इसको आपको समझने पड़ेगा। कश्मीर में आप इतना बड़ा कदम उठाया, आप जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं को कोई जुलूस निकला इसको समर्थन में? नहीं निकला सर। और एक मंत्री खड़ा हो गया, ये क्या तरीका हो गया सर? मैं बोलने से क्या? एक जगह तीन मंत्री खड़ा हो जाता, अच्छी बात है। सर सर तो मुझे ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अधीर चौधरी काफी बातें उठाया, उन्होंने उठाया कि लद्दाख के साथ जो अक्साई चीन है वो अभी चीन का कब्जा में है। अधीर चौधरी ये भाषा प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि आप तो बड़े पलवान हैं, चीन से अक्साई चीन छीन लो। काराकोरम हाईवे जो कश्मीर के बीच से जाता है वो अपना हाथ में ले लो। पीओके अगले दिन मंत्री जी जो फर्स्ट अमेंडमेंट लाया उसमें पीओके के लोगों के लिए 200 सीट अपने रिजर्व किया, और पीओके से जो भाग के आए और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट रिजर्व किया, और पीओके के लिए 26 सीट वहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में खाली रहेगा ये घोषणा किया गया। लेकिन कब पीओके हमारा आएगा? आपको बोलने से सर अमित शाह जी बोलते हैं ये नेहरू के समय चला गया था और हम श्यामा प्रसाद के रास्ता में चल के हम इसको उद्धार करेंगे। कब करेंगे? कब चुनाव करेंगे? कब पीओके को लेंगे? ये बताइए सर। मैं ये हाउस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूँ, लेकिन अधी चौधरी ठीक बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में उनको मौत हुआ, ये हम सब बंगाली दुखी है। हाँ सर हम नमन करते हैं, लेकिन ये बात तो सही है आजादी के लड़ाई में श्यामा प्रसाद बाबू एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए थे, और वो एक तो श्यामा हक फजलुल हक से मिलके एक मंत्रिमंडल, वो मुस्लिम लीग थे उससे मिलके एक मंत्रिमंडल चलाते थे। श्यामा प्रसाद बाबू कुछ अच्छा काम किए, वो एक ही स्लोगन देते थे, एक विधान एक निशान एक प्रधान होना चाहिए। तो आप तो श्यामा प्रसाद बाबू को ये चिंता को रूप दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं जो आजादी के लड़ाई में जो जेल में नहीं किया उसको पूरा नमन नहीं करता हूं, आधा नमन करता हूं। आजादी के लड़ाई में जो जेल में गया वही असल नेता था, बीजेपी के लोग हिंदुत्व वाले
जेल में नहीं गए। गुरु गोलवलकर 42 में बोल दिया कि कोई भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो आरएसएस करते हैं गुरु गोलवलकर को मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूं उनसे कि वह इतिहास पढ़ें, गलत तथ्यों को नहीं रखें। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय सदस्य है उसके बारे में ऐसा इरादा सोच रखने वाले आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर व्यक्तिगत रूप से उनका आचरण व्यवहार देखे। उस समय भारतीय जनता पार्टी आरक्षण बोली, लेकिन वह इतिहास को जाने जिनके विषय में वह कोट कर रहे हैं उनके विषय में भी आप जानिए देश के प्रति और आजादी में क्या रिकॉर्ड से निकाल दिया है। रिकॉर्ड से निकाल दिया उसको। श्यामा प्रसाद बाबू का पॉलिटिक्स नहीं था, वो अच्छा। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर डिबेट नहीं हो रही, आप महिलाओं पर डिबेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर बंगाल, लेकिन उनका पॉलिटिक्स नहीं था, ठीक नहीं था। हम दुखी है कि कश्मीर के जेल में उसको मृत्यु हुआ। सर आप ये जानते हैं चुटी काट रहा है, खलखली उठा है, क्यों इस्तीफा दिए और उसका कारण क्या था, यह भी रिकॉर्ड में आना चाहिए। और माननीय शौकत साहब को यह भी बताना चाहिए, रिकॉर्ड में लाइए, बताइए कि क्यों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे। रिकॉर्ड बाद में देख लेंगे। सर मुझे ये कहना है कि अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का 3 स्लोगन था, राम मंदिर, कश्मीर में 370 बाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक राम मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, वो बन रहा है, कश्मीर भी अब कर पाए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस पर वो जंप करेंगे, क्योंकि यही बीजेपी का कम्युनल बोले, सांप्रदायिक बोले, डिवाइसिव बोले एजेंडा है। हम इसको खिलाफ है, हम अकेला रहेंगे तब भी इसको खिलाफ करेंगे। सर सर हमको बोलने दिया जाए, इतने वरिष्ठ सदस्य क्या बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखी हुई बात, जिस चीज को आप जिसको भगवान मानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है, वो संविधान निर्माताओं ने रखा है कि आने वाले दिनों में देश के विधानमंडल और देश के संसद मंडल किस दिशा में चलने चाहिए। इसलिए ये इनको मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करनी है तो इस विषय पर महोदय मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, अगर इस विषय को आप अनुमति देते। अगर इसी तरह से बात करनी है तो जिन्होंने भारत को तोड़ा वो मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे, किस पार्टी के नेता थे। और मान्यवर उस वक्त तो आज इनको मालूम नहीं है, श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग बंग न करा होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता। श्यामा प्रसाद बाबू थे जिन्होंने बंग बंग करा, इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं। मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। दूसरा बंग बंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ है।